फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं टॉप हाईएस्ट डैमेज गन्स बताने वाला हूँ जिनसे आप सामने वाले बंदे को बहुत ही जल्दी से किल कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने उन्हीं गन को शामिल किया है जिसे प्लेयर्स ज़्यादा यूज़ करते हैं और आसानी से मिल जाती है। कमेंट में ये मत बोलना कि भाई ये गन ज़्यादा बढ़िया होती है, आपने वीडियो में इसे क्यों नहीं बताया। तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, मैंने उन्हीं गन को शामिल किया है जो आसानी से मिल जाती है और प्लेयर्स जिन्हें ज़्यादा यूज़ करते हैं। आपको कौन सी गन ज़्यादा पसंद है वीडियो नीचे ज़रूर कमेंट करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पाँचवें नंबर पे जो गन आती है इसका नाम है M249। इसका बेस डैमेज है 45। तो जान लेते हैं कि बेस डैमेज होता क्या है। तो जिस गन का बेस डैमेज जितना ज़्यादा होगा उस गन से आप सामने वाले बंदे को उतनी जल्दी किल कर सकते हैं। और इसमें जो है 5.56 mm की गोली लगती है। तो हमारे चौथे नंबर की जो गन है उसका नाम है ग्रोजा। तो ग्रोजा का जो है बेस डैमेज 49 है और इसमें 7.62 mm की गोली लगती है। हमारे तीसरे नंबर की जो यहाँ पे गन है उसका नाम है DP28। इसका बेस डैमेज 51 है और इसमें जो गोली लगती है वो है 7.62 mm की। और हमारे जो दूसरे नंबर की गन है उसका नाम है MK14। इसका बेस डैमेज है 61। ये गन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होती है, आप इस गन को लेकर जो है सामने वाले बंदे को बहुत ही जल्दी किल कर सकते हैं। तो यहाँ पे MK14 का जो है बेस डैमेज 61 है और इसमें जो गोली लगती है वो 7.62 mm की लगती है। तो हमारे पहले नंबर की जो गन है उसका नाम है AWM। इसका बेस डैमेज है 105। इसका बेस डैमेज बहुत ही ज़्यादा है, आप इस गन सामने वाले बंदे को बहुत ही जल्दी से किल कर सकते हैं। और इसमें जो गोली लगती है इसमें 300 मैग्नम की जो है गोली लगती है। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और आप चाहते हैं इसी तरह की और भी वीडियो बनाऊँ तो कमेंट करें।